नमस्कार, आप सभी दर्शकों का सी एन यू चैनल में स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के चेंबूर सिद्धार्थ कॉलोनी में। आपको यहाँ की कुछ लाइव तस्वीर मैं दिखाना चाहता हूँ। ये सिद्धार्थ कॉलोनी का सर्विस रोड है, महानगर पालिका चेंबूर यम वार्ड आता है और यहाँ पे कर्मठ नगर सेविका, जिसे कर्मठ कहा जाता है, बार बार लोग उनका नाम लेते हैं कर्मठ नगर सेविका आशाताई मराठे, यहाँ पे प्रभाग समिति अध्यक्ष हैं और ये उनके वार्ड की ये हालत है। आप लाइव तस्वीर सी एन यू चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मुंबई का सबसे बड़ा झोपड़पट्टी इलाका हो या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हो, इस सिद्धार्थ कॉलोनी में रहते हैं। लेकिन ये सिद्धार्थ कॉलोनी की क्या हालत है, ये लाइव तस्वीर आप सी एन यू चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। हमारा काम है जनता की जो समस्या है, जनता की जो आवाज़ है, महानगर पालिका तक, पुलिस प्रशासन तक, सरकार तक पहुँचाना, और वो हम लोग लाइव तस्वीर रिकॉर्ड कर सरकार को दिखा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इस तरह की जो हालत है, ये 2400 घंटे यहाँ पर बनी रहती है। पहले भी एक दो बार यहाँ पे इस खड्डों की मरम्मत हुई है, लेकिन फिर जस का हालत तस हो जा रहा है। यहाँ के लोग काफ़ी परेशान है और कचरा यहाँ पर आगे है, कचरा जो उठाने के लिए महानगर पालिका के जो कर्मचारी हैं, आज रविवार शायद नहीं आए होंगे, लेकिन यहाँ की जो लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ के जो राजनेता है, चेंबूर में शिवसेना पार्टी के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के नगर सेविका हैं, सांसद राहुल सेवाले शिवसेना पार्टी के हैं, लेकिन यहाँ की जो लाइव तस्वीर है ये आप सी एन यू चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। हमारे साथ कुछ समाज सेवक हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की हालत जो है, जो इस तरह बनी हुई है, इसका जवाबदार कौन है। अगर इस तरह खड्डे रोड पे है तो इसकी मरम्मत बार बार क्यों नहीं होती है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। मंजीत जेठ जी हमारे साथ हैं। मंजीत जी, जो यहाँ सिद्धार्थ कॉलोनी की जो आज हालत है, यहाँ के ठीक 100 मीटर आगे जन शताब्दी उद्यान है, गार्डन है, वहाँ पे पानी भरा हुआ है, वो भी तस्वीर हम दिखाएंगे आपको सी एन यू चैनल के माध्यम से। अभी ये सर्विस रोड की जो हालत है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? इसके लिए हमने BMC से जो शेख साहब है उनको संतोष और हम बारंबार जाके उनको बता दे कि सर यहाँ पे देखो सर्विस रोड पे खड्डे बढ़ते जा रहे, अपना शताब्दी उद्यान है, वहाँ का भी तुम परिस्थिति देखो, वहाँ का भी बहुत विकट परिस्थिति वहाँ पे हो गया है। तो शेख साहब ने बोला है, शिवानी पाटिल करके मैडम है, उनको ये अपना सर्विस रोड का जो खड्डे का है वो सब उनको दिया है, लेकिन वो भी ध्यान नहीं दे रहे। यहाँ पे दुर्घटना होने के बाद यहाँ पे ध्यान दे गए ये लोग। आगे जाएगा तो 150 मीटर पर अपना हॉस्पिटल है, आने जाने लोगों को यहाँ पे बहुत बड़ी वहाँ पे परिस्थिति आ रही है, विकट परिस्थिति है, बड़े बड़े खड्डे बढ़ते जा रहे हैं। BMC शेख साहब को हमने वारंवार बोल करके, शिवानी पाटिल करके MMRD की कार्यकर का अभियंता है, वो ध्यान नहीं दे रही यहाँ पे। तो हमारा एक ही कहना है कि ये हमारा रोड है, सर्विस रोड है या शताब्दी उद्यान है, जरूरी जरूरी जल्दी से जल्दी इसका काम पूरा होना चाहिए, ये हमारी एक मांग है महानगर पालिका MMRD को। इनकी जो मांग है, यहाँ पे जो सर्विस रोड की जो हालत खस्ता हालत दिख रहा है, ये बनाना चाहिए, जो यहाँ पे जन शताब्दी जो उद्यान है, जो गार्डन है, उसका काम होना चाहिए। हमारे साथ समाज सेवक संतोष रोकड़े जी हैं, काफ़ी महानगर पालिका के कार्यालय में फॉलोअप करते हैं यहाँ की समस्याओं को लेके, लेकिन काम जस का तस पड़ा हुआ है। संतोष रोकड़े जी, मैं जानना चाहूँगा, ये सिद्धार्थ कॉलोनी काफ़ी मशहूर कॉलोनी है, जब भी कोई बड़ी समस्या आती है तो यहाँ के लोग सबसे पहले रोड पे निकलते हैं मोर्चा करने के लिए। आज ये जो सिद्धार्थ कॉलोनी की हालत है, क्या कहेंगे इस पर? सर जी, ये जो हालत है, ये जो MMRD का जो काम चालू है, मेट्रो की लाइन जो यहाँ से चलने वाली थी, यहाँ के कुछ 271 झोपड़ियाँ कट करके उन्होंने BMC वालों से डायरेक्ट इनको लेटर दे दिया कि भाई तुम्हारी झोपड़ी खाली होने वाला है, पर यहाँ बहुत बड़ा नाला और यहाँ पानी की, मुंबई दो की पानी की बहुत बड़ी लाइन है जो 64 इंचेस है, वो लास्ट टाइम डैमेज हो गई थी, उसके बारे में वो बीच में आने के कारण मेट्रो की लाइन वो साइड में आ गई, उसके कारण ये झोपड़ियाँ थोड़ी बच गई। ये रोड MMRDA के यहाँ से सुमन नगर से लेके मुलुंड तक, ये पूरा सर्विस रोड MMRDA के अंडर आता है। BMC से हम लोग फॉलोअप करते हैं तो वो बोलते हैं ये PWD MMRDA को आता है, MMRDA वाले भी यहाँ आते, थोड़ा सा मट्टी विट्टी डालते, निकल जाते। इसके बारे में उनको बोला था कि इसको आप मेंटेन करो, आप उसको रिकंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, समझ सकते हो, पर मेंटेन करो, मेंटेन भी नहीं कर रहे। बारिश में यहाँ की BMC की पाइपलाइन फूटी, वो पानी खड्डे में जाता है, यहाँ से आने जाने वाले के लोगों पे वो गंदा पानी उड़ता है, उसके वजह से ये कचरा है,
ये कचरे की वजह से यहाँ बहुत दुर्गंधी आती है। गाड़ी यहाँ से बीएमसी से, जो बीएमसी एसडब्ल्यूएम डिपार्टमेंट है, उनको भी बार बार बोला जाता है कि ये सिद्धार्थ कॉलोनी के सामने है, जबकि बीएमसी का कोई भी रोड के ऊपर कोई भी कचरे का डब्बा नहीं होना चाहिए, सर्कुलर में है तो भी यहाँ कचरे का ढेर है, तो उसके कारण बदबू आती है, बीमारियाँ फैलती है। वहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जन्म शताब्दी उद्यान है, वो रिजर्वेशन था एमएमआरडी का। अभी लास्ट टाइम 2019 के विधायक के उसमें जब वो अधिवेशन लगा तो उसका रिजर्वेशन निकाल दिया। अब ये छोटा छोटा बात हम लोग क्यों देख रहे हैं कि वो डेवलप करो, वो एमएमआरडी से बीएमसी अंडरटेकिंग ले लो, उसके बारे में उसको बीएमसी खर्चा करेगा। हम लोग जा के परेशान हो गए, एमएमआरडी गए, पीडब्ल्यूडी गए, बीएमसी गए, वो बोलते हमारे पास नहीं, ये नहीं है, ये इतना बड़ा प्लॉट है, ये यहाँ के सीनियर सिटीजन लड़कों को खेलने के लिए ग्राउंड रहेगा, कुछ भी बना रहेगा, तो फंडिंग यहाँ के कॉरपोरेटर ने करना चाहिए। जैसा कि पप्पू गार्डन, जो पप्पू गार्डन सुभाष नगर का है, वो पप्पू गार्डन वो पीडब्ल्यूडी एमएमआरडी का था, उन्होंने वो मर्ज करके लिया बीएमसी में, उसका डेवलपिंग किया क्योंकि उसके बाजू में बिल्डिंग है, पर इसके बाजू में बिल्डिंग नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जन्म शताब्दी उद्यान है, इसके बाजू में झोपड़पट्टी है, उनका फंड यहाँ क्यों डालेंगे? अगर वो अच्छे करने चाहते हैं तो तुरंत, यही उनका अभी कोविड-19 का पीरियड है, उसके बाद में अगर अच्छे उनका फंड अवेलेबल हो जाएगा तो एमएमआरडीए से उन्होंने बीएमसी में वो मर्ज करे, बीएमसी का जो फंड है वो गार्डन के लिए लगाए और लोगों को घूमने फिरने टहलने के लिए। संतोष जी, मैं जानना चाहूँगा, यहाँ पे शिवसेना पार्टी के विधायक है प्रकाश फातेपेकर जी, यहाँ पर बीजेपी के नगर सेविका हैं आशाताई मराठे, उनको काफ़ी कर्मठ कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर इस तरह की हालत है, इसका जवाबदार कौन है? एक्चुअली इसका नेताओं को ये सब इनिशिएटिव लेना चाहिए कि नहीं, नेताओं का काम है, वो पार्टी लीडर है, लोक प्रतिनिधि है, वो छोटा छोटा काम उनको करना चाहिए, पर इधर काम होता नहीं है। क्यों नहीं होता? उसका कारण ये है, या हम लोग एप्लीकेशन मंजित रहेगा, मैं रहेगा, यहाँ के कुछ संस्था है, कुछ अदर पार्टी के लीडर एप्लीकेशन करते, वो वहाँ से बीएमसी में जाता है, जब हम उसका फॉलोअप लेता है तो हमको बोलता है कि वो मैडम के पास जाओ, साहब के पास दिया। जो बीएमसी का छोटा मोटा काम है, कचरा उठाना, थोड़ा गली इधर उधर बनाना, वो है, पर बाकी जब यहाँ का टेंडर आता है तो जो कॉन्ट्रैक्टर रहता है उसके पीछे वो लोग काम देखते नहीं है कि इसने मटेरियल कौन सा लगाया है, उसका स्लोप बराबर है क्या नहीं, उसको वो जो कॉन्ट्रैक्टर रहेगा वो कुछ नहीं देखते ना। यहाँ बीएमसी का ऑफिसर आता है, सिर्फ आते पहले दिन फोटो निकालते हैं, डालते हैं, हमने किया है, ठीक है, आपका कॉरपोरेशन है, आपके फंडिंग से हो रहा है, पर उसके ऊपर आप वॉचिंग करो, जो ने करके वो ठीक किया है नहीं, फंड का पैसा कॉन्ट्रैक्टर को मिलता है, वो जेब में डालता है, पर काम इधर का थोड़ा करके दिखाता है, फिर वो एक बारिश में खराब हो जाता है, फिर वो खराब होता है, हमने तो किया था, फिर वो हमारे इधर के लोगों के ऊपर आता कि तुम्हारे इधर के लोग ठीक नहीं है, हमारे इधर के लोग ठीक है, तुम सुविधा अच्छी दे दो, परफेक्ट दे दो, हम लोग वो मेंटेन करेंगे। जी हाँ, चेंबूर का ये सिद्धार्थ कॉलोनी है और ये सर्विस रोड पे इस वक्त हम लोग मौजूद है, और यहाँ की क्या हालत है, और यहाँ की महानगर पालिका हो या प्रशासन हो या यहाँ के नगर सेवक हो या यहाँ के विधायक है, किस तरह नाकाम साबित हो रहे हैं, ये उसकी लाइव तस्वीर है। मैं जानना चाहूँगा आपसे, आप लोगों की यहाँ पे नगर सेविका आशाताई मराठे हैं, प्रभाग समिति अध्यक्ष है, प्रभाग समिति अध्यक्ष का मतलब कि उनके हाथ में डबल पावर हो गया, एक तो नगर सेविका, दूसरा प्रभाग समिति अध्यक्ष, एक साल का इनका टर्म होता है, एक साल से ज़्यादा हो गया, अभी भी प्रभाग समिति अध्यक्ष के पद पर बैठी है, किसी और को चेंज करना चाहिए ताकि काम होगा। सही बात है, क्योंकि यहाँ एम पश्चिम में टोटल 7 वार्ड आते हैं, 7 वार्ड में जैसा प्रभाग का रहता है, शिवसेना का 2 नगर सेवक, बीजेपी का नगर सेवक 2-3 और कांग्रेस का नगर सेवक, ये मिलके वो उनको चुनाव का ये देते हैं। ऐसा लास्ट टाइम में वहाँ राजेश फुलवारे जो थी उनका एक साल का हो गया, उसके पहला महादेव शिवन जी भी थे, पर इनका डबल टर्म चालू है, उनको फंडिंग साल का मिलता है, उन्होंने 7 वार्ड में देखना चाहिए, वो यहाँ का इनका वो यहाँ का प्लेइंग वार्ड है, वो वहाँ उन्होंने ज़्यादा स्लम में देखना जाए, बाकी टोटल भाई भाई नगर, गरीब भारती नगर, ये जो स्लम है, आनंद नगर है, जो बंगलोज हो वहाँ तुम डेवलप करो, बाकी का एरिया चेंबूर डेवलप है। नहीं, नेताओं का तो ये भी कहना है कि सिद्धार्थ कॉलोनी का जो वोटर्स है, यहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट खड़ा होते हैं तो वोट डिवाइड हो जाता है और बंगलों का ही वोट इन्हें मिलता है, इसलिए काम नहीं करते। नहीं नहीं, वैसा बात नहीं, वोटर अगर हमारे यहाँ के जो इंडिपेंडेंट जो अपक्ष उम्मीदवार रहने वाले ना, अगर वो कोई भी नहीं खड़ा रहेंगे और एक ही आदमी खड़ा रहेगा ना, तो यहाँ का 10,000 का पॉकेट एक आदमी को जाएगा और उनका ही बेनिफिट वो लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंडिपेंडेंस वो पार्टी वाले यहाँ उतरते हैं और हमारे यहाँ के जो हम नगर सेवक हो जाएंगे, फिराक में रहते हैं और वो 200 वोटिंग से जो हमारे यहाँ का कैंडिडेट रहता है विनर, उसको गिरा दे। ऐसा
10 उम्मीदवार, उसमें 3,500 वोट तो हमारा ऐसा ही जाता है और जो विनिंग वोट रहता है वही निकल जाता है और हमारा उम्मीदवार गिर जाता है, हमको संधि नहीं मिलती है। आपको एक लाइव तस्वीर और दिखाते हैं, हमारे ठीक सामने गटर किस तरह खुला हुआ है, उसके ऊपर प्लास्टिक का ये फुट्टा रखा हुआ है। बाई चांस कोई बच्चा वहाँ पे खेलते खेलते जाता है, उस गटर में गिरता है, उसके साथ कोई दुर्घटना होती है, तो उसका जवाबदार कौन होगा? जब मुंबई चेंबूर यम वार्ड में अगर 7, 5 से 6 वार्ड आते हैं, बीजेपी के पास मेजोरिटी है क्योंकि 4 से 5 नगर सेवक बीजेपी के पास है, इसलिए अस्थायी समिति बीजेपी के पास होता है, प्रभाग समिति बीजेपी के पास होता है। लेकिन आशाताई मराठे 1.5 साल से ज़्यादा एक ही पद पर बैठी है, लेकिन ये हालत यहाँ की है। मैं जानना चाहूँगा यहाँ की जो नगर सेविका आशाताई मराठे हैं, पहले सिद्धार्थ कॉलोनी में रहती थी, लेकिन जब जनता उनके पास अपनी समस्या लेके जाते थे या उनसे अपनी दुख सुनाते थे तो वो कॉलोनी छोड़ के दूर चले गए, अब दूसरे वार्ड में रह रहे, क्या कहेंगे इस? वो यहाँ से नज़दीक थे, पर एक्चुअली उनका ऑफिस भी है यहाँ पे, पर कुछ तकरीबन कुछ तो थोड़ा सा कुछ तो प्रॉब्लम हुआ था, तो उनके ऑफिस में भी लोग जाके शोर किए थे कि भाई ये सब बीजेपी के काल में हो रहा है, तो उनके डर से उन्होंने वो शिफ्ट किया, फिर वो वहाँ चले गए। पर हम लोग को जो भी चीज़ चाहिए रहती है, यहाँ के लोग नज़दीक रहता था तो तुरंत मिल जाता था, अभी यहाँ कुछ एप्लीकेशन करना रहेगा कुछ रहे। उनका ऑफिस भी सुभाष नगर में, उनका घर भी उधर वो डायमंड गार्डन के उधर, तो लोग वहाँ उनको मिल नहीं पाते। और वैसा COVID-19 में BMC के वेम वार्ड में भी आम आदमी को जाने का ये नहीं है, तो पर्ची भी वो डायरेक्ट लेते नहीं है, ऑनलाइन ही कंप्लेंट करो। यहाँ के लोग गरीब है, उनको सोशल मीडिया, उनको कंप्लेंट कहाँ करना है वो मालूम नहीं है, फ़ोन करते हैं तो फ़ोन बिजी रहता है और उनका जो काम देखता है, उनका लड़का देखता है, वो कुछ बराबर मतलब जो यहाँ के लोग है, जो वोटर है, उनको नगर सेविका कोई और काम देखता, कोई और संभालता, वो काम संभालता, वो सब वार्ड में वही देखेंगे, वार्ड में हम जाएंगे तो हमारा काम, हमारा पर्ची रहेगा तो उनको तुरंत दिख जाता है कि ये कौन सा काम कर रहा है, तो उसी काम पे वो फॉलोअप करके जो हम लोग लोगों के लिए काम कर, हमारे पास पावर नहीं है, हमारे पास जब पावर मिलेगी तो हम हमारा काम देखेंगे, पर विदाउट पावर ऑफ हम लोगों की सेवा कर दे, तुम जो भी काम रहेगा, तो फॉर एग्जाम्पल वहाँ की जो नालियाँ टूटी है टॉयलेट की, वो टॉयलेट की नालियाँ के लिए हम लोग साफ करके लेते हैं BMC के वर्कर से, तो उधर भी आके वो फोटो निकाल के वो बोलते कि हमने किया है, आपने ही किया है, आपका ही वार्ड है, पर हम लोग जो सहयोग कर रहे हैं आपको, वो हमारा क्रेडिटेशन मत ले लो ना, आपने जो किया है वो आप ही करेंगे क्योंकि आप यहाँ के लोकल कॉरपोरेटर हो। अच्छा मुझे बताइए, यहाँ पे विधायक जी कितनी बार विजिट कर चुके हैं? देखिए सत्ता में दोनों है, नगर सेवक भी है, विधायक भी है, आपको पता होगा विधायक जी कितनी बार आए यहाँ पे? विधायक यहाँ उनका दूसरा टर्म है विधायक जी का, यहाँ जो प्रकाश जी फातर पे करे वो दो, मतलब ये छठवां साल है, अभी छठवां सातवां साल, वो आते हैं देखते हैं, उनको मतलब पूरा चेंबूर विधानसभा उनको देखना पड़ता है, इसके लिए वो छोटा छोटा भी काम रहेगा ना तो करते, पर अभी थोड़ा सा लॉकडाउन के प्रॉब्लम में उनसे थोड़ा डिले हो रहा है, वो डिले नहीं करेंगे पर करेंगे काम, पर थोड़ा उनको जैसा ही उनका टाइम मिलेगा वैसा वो करेंगे, पर अभी देखेंगे वो कब करते हैं। मेरी तो उनसे यही गुजारिश रहेगी कि जितने जल्दी हो सकते हैं, बहुत बड़ा 20,000 लोगों का ये 14,000 वोटर है यहाँ पे, अच्छे से अच्छा यहाँ डेवलपिंग रहेगा। सबसे पहला मुद्दा है कि यहाँ की जो SRA है, जो आप विधायक जो आप विधानसभा में मानते, तो ये सिद्धार्थ कॉलोनी का आप SRA का मुद्दा ले लो, जाके आप वहाँ के जो बिल्डिंग से जो 19 वहाँ के जो बंगले उनकी जब बात आप विधानसभा में रखते हो, तो हमारी ये कोशिश है कि सिद्धार्थ वालनी की बात जो 11 एकड़ का प्लॉट है उनके स्लम का डेवलपिंग के लिए आप बात करो, जो कि वो डेवलपिंग हो जाएगा तो ये सारे सब जो जो छोटी छोटी जो बातें हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। पहले आप डेवलपिंग देखो, हम तो बोलते रहेंगे कि ये गटर का पानी घर में आता है, संडास का पानी घर में आता है, डेवलपिंग आप करोगे, आप ये यहाँ के सांसद राहुल शेवाली जी वो भी करेंगे तो लोगों की सेवा हो जाएगी। छोटा छोटा काम करने से आप वो डायरेक्ट मेन काम करो कि वो डेवलपिंग जब हो जाएगा तो ये छोटी मोटी काम की जरूरत ही नहीं है। जी हाँ, बूंद बूंद से तालाब भरता है, आपने कहावत सुनी होगी, लेकिन बूंद बूंद से यहाँ पे खड्डा हो रहा है, ये कहावत भी आप देख लीजिए और सुन लीजिए। ये चेंबूर सिद्धार्थ कॉलोनी की हालत है। इसके बाद मैं आपको अब दूसरी तस्वीर यहाँ का दिखाऊंगा, यहाँ पे दूसरी तस्वीर जो गार्डन है, उद्यान है, उसकी हालत किस तरह है। नगर सेविका का फंड हो सकता है, विधायक का फंड हो सकता है, सांसद का भी फंड लग सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ के वरिष्ठ नागरिकों के लिए आज तक उस गार्डन को बनाया नहीं गया है। चलिए आपको उस गार्डन की तस्वीर दिखाते हैं, जन शताब्दी उद्यान की।
सिद्धार्थ कॉलोनी की दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं किस तरह यहाँ पे जन शताब्दी उद्यान यानी गार्डन की हालत है। ना तो यहाँ पर विधायक का फंड यूज़ किया गया है, ना ही नगर सेविका का फंड यूज़ किया गया है। आप देख सकते हैं इस गार्डन की हालत क्या है। इस वक्त इस गार्डन में तालाब बना हुआ है, बारिश की पानी चकाचक पूरा भरा हुआ है। इसका जवाबदार कौन है? युवा बच्चे खेलने जाएंगे कहाँ पे? क्योंकि लाखों की आबादी वाला ये बस्ती है सिद्धार्थ कॉलोनी, लेकिन यहाँ के वरिष्ठ नागरिक हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, बच्चे हो, उनके लिए यही एकमात्र गार्डन था। लेकिन आज उसकी हालत क्या है, ये लाइव तस्वीर आप CNU चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं, किसी भी राजनेता हो या यहाँ की नगर सेविका हो या यहाँ की विधायक है, उनके साथ हमारी कोई रंजिश नहीं है। हम जनता की आवाज़ बनना चाहते हैं, जनता की जो समस्या है वो दिखाना चाहते हैं, इसलिए आज ये सिद्धार्थ कॉलोनी में विजिट पर हैं। हमारे साथ संतोष जी दोबारा जुड़े हुए हैं। संतोष जी, इस गार्डन की जो परिस्थिति है, इसका जवाबदार कौन है, क्या कहेंगे? देखो, ये जो गार्डन है, ये माढ़ा का प्लॉट है, ये 470 उसका CTS नंबर है। ये एक्चुअली रिजर्वेशन था। ये रिजर्वेशन अभी लास्ट 2019 में लास्ट टाइम में वो विधायक ने यहाँ का जो रिजर्वेशन है ये निकाल लिया है। अभी यहाँ का जो डेवलपिंग है वो माढ़ा का जो प्लॉट है वो BMC ने अप्रूवल करके ये डेवलपिंग करना चाहिए यहाँ, क्योंकि यहाँ अभी लाइट लगी है। जब यहाँ के जो बस्ती के लोग हैं, लाइट किसके माध्यम से लगी, किसने लगा? ये जो लाइट है जो राहुल शेवालन जी इनके माध्यम से लगी है, कि यहाँ के एक अपने दोस्त थे अजय कदम जी, उन्होंने फॉलोअप लिया है। उनको भी वो बहुत ही हार्ड जाता था, क्योंकि उसका जो जगह ओनर है वो नहीं थे, पर उन्होंने वो जो सांसद है वो उन्होंने क्विक रिलायंस में जो गोवलकर साहब है उनको बोल के डॉक्यूमेंट्स उसका देख के ये लाइट लगा दिया है। रात में यहाँ उजाला रहता है, क्योंकि अंधेरे के वक्त यहाँ पीने खाने वाले लोग, नशापान करने वाले लोग ज़्यादा यहाँ आते हैं, तो उससे यहाँ का जो एरिया है उसके ऊपर बैड इंप्रेशन गिरता है। यहाँ सब लोग नहीं, एक दो या दस लोगों की वजह से पूरा एरिया यहाँ के लोग बदनामित कर दे, पर उसके लिए आप अच्छी सुविधाएं दिए। यहाँ पुलिस का एक बीट चाहूँगा, सांसद जी ने इतना बड़ा इनिशिएटिव उठाया और यहाँ पे लाइट लग गई, लेकिन नगर सेवक विधायक चुप है। देखिए, ये नगर सेवक और विधायक इन्होंने ही भी करना चाहिए ये, जबकि उनके हाथ में है। वो एक लेटर देके उनके पीछे गिरेंगे, क्योंकि ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जन्म शताब्दी नाम है उनका, जो भारत के संविधाता निर्माते हैं, उनके नाम के गार्डन की अगर ये ऐसी हालत कर दे तो वो जानबूझ के नहीं करते रहेंगे। हम तो उसके लिए फॉलोअप करते हैं कि आप करो। इसके लिए क्या क्या कंप्लेंट किया, क्या फॉलो? देखो, ये माढ़ा में कंप्लेंट किया है, MMRDA में कंप्लेंट किया है। वो कभी कहते हैं ये प्लॉट हमारा नहीं है, ये हमारे दूसरे का है, MMRDA का है। तो ये माढ़ा का है, माढ़ा के जो ऑफिसर्स है वो अभी तक 20 साल में यहाँ आए नहीं है, ये उनकी जगह है। और BMC और कॉरपोरेटर रहेंगे, आमदार रहेंगे, खासदार रहेंगे, उन्होंने ये प्लॉट माढ़ा से लेना चाहिए। वो BMC अंडरटेकिंग करेंगे तो वो BMC फंड लगा के डेवलप हो जाएगा, पर वो करते नहीं है। बहुत छोटा काम है, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बोला कि पप्पू गार्डन का जैसा उन्होंने डेवलपिंग किया ना, वैसा ये गार्डन का डेवलपिंग ही कर दो, लोगों की सेवा रहेगा। यहाँ बड़े बूढ़े औरत लोग जो है वो वॉकिंग करेंगे, बच्चे लोग खेलेंगे, तो ये पानी में लोग कैसे जाएंगे? यहाँ मच्छर आते हैं, यहाँ मच्छर आते हैं, डेंगू होता है, मलेरिया होता है, ये सब यहाँ के लोगों को मच्छर। हमारा विल पावर अच्छा है इसके लिए, ठीक है, नहीं तो दूसरा कोई रहेगा तो मर जाएगा। बाजू में कोविड सेंटर है, वो लोग कैसे रहेंगे? जब यहाँ से मच्छर, जब रूखा पानी में जब मलेरिया गंदा मच्छर डांस रहेंगे, तो ये कोविड सेंटर BMC में लिया है, वो लोग भी ज़्यादा। मैं आपको बता दूं कि महानगर पालिका की तरफ से बार बार प्रचार किया जाता है कि बारिश का पानी एक जगह पर इकट्ठा ना होने दें, लेकिन ये जो पानी इकट्ठा है इसका जवाबदार कौन है? इसकी फाइन किसे लगना चाहिए? यहाँ की नगर सेविका को, यहाँ के विधायक को, या यहाँ के जो महानगर पालिका के अधिकारी है उनके ऊपर? सिद्धार्थ कॉलोनी में लाखों की संख्या में लोग रहते हैं, लेकिन आज सिद्धार्थ कॉलोनी की हालत क्या है वो आप CNU चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। इसके बाद भी इस तरह की जो भी तस्वीर सिद्धार्थ कॉलोनी से दिखेगी हम आपके सामने रखेंगे। अब आपको ही देखना है कौन सही है, कौन गलत, काम कौन कर रहा है, काम कौन नहीं कर रहा है। चलिए, इसके बाद हम आपको और दूसरी तस्वीर दिखाएंगे। विदा लेते हैं, कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CNews मुंबई।